इन तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए मैंने इस मरतबा अशरे मुहर्रम में उन्वान गुफ्तगू रखा है हकीकत और हुसैन। ये उन्वान बजाय खुद बहुत बड़ा उन्वान है और ये आइंदा 8-9 तकरीरों में मुकम्मल नहीं हो जाएगा, लेकिन जो हजरात इस तालिबे इल्म के उसलूब गुफ्तगू से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मैं उन्वानात कायम करता हूँ, जस्तजू बेदार करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। इससे ज्यादा मेरे इख्तियार में कुछ है भी नहीं। ये जरूर है कि लुत्फ खुदा से इस मिंबर हुसैनी पर गुफ्तगू करते हुए तकरीबन 38 या 40 बरस गुजर गए और मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि जिस उफ़ुक़े इल्मी पे गुफ्तगू पिछले बरस शुरू की थी इस बरस की गुफ्तगू उससे बुलंदतर उफ़ुक़ से शुरू हो। गुफ्तगू में तकरार ना हो, हवालों में तकरार मुमकिन है, रेफरेंसेस में तकरार मुमकिन है। तकरार यानी किसी बात को दोहराना, हवाले दोहराए जा सकते हैं, लेकिन जो फिक्र है, जो मकाम सुखन है, जो मकाम गुफ्तगू है, मैं चाहता हूं कि जहां बात छोड़ी थी बात अब उससे आगे बढ़ाई जाए। मुझे अच्छी तरह याद है गुज़श्ता बरस इसी मरकज में, मरकज बाबुल मुराद लंदन में गुफ्तगू था, गुफ्तगू का उन्वान था मुस्तकबिल और हुसैन। माजी और हाल से गुजर जाने के बाद मुस्तकबिल की मंजिल आती है, लेकिन माजी हाल और मुस्तकबिल तीनों पे गौर कर लेने के बाद फिर मुतलक हकीकत पर नजर ठहरती है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? देखिए फिर अर्ज करूं, ठहर कर आप सब यहाँ या अक्सर हजरात यहाँ ज्यादातर एक खास मजहबी जज्बा लेकर आए हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सिर्फ मजहबी जज्बा लेकर नहीं आए। और ये दौर, ये आसर, ये अहद, ये जमाना सिर्फ मजहबी टर्मिनोलॉजी में, सिर्फ मजहबी जबान में, मजहबी इस्तिलाहात में, सिर्फ रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में मुतमइन नहीं होता। हाना के बिलाकर उसे इत्मीनान वहीं मिलता है, लेकिन जमाने के तकाजे होते हैं। इस वक्त हमारे मकातिब में, मदारिस में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, मुआशरे में, सोसाइटी में, मीडिया में, साइंस की बिरादरी में, समाजियात से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान, पूरी दुनिया में जो एक फजा है, फिक्री फजा, फिक्री माहौल, जो सोचने का एक तर्ज बन गया है, जो एक ढंग बन चुका है सोचने का, उमूमन वो मजहबी नहीं है, उमूमन वो रिलीजियस नहीं है। इसलिए हम भी ये कोशिश करेंगे कि हमारी गुफ्तगू भी सिर्फ और सिर्फ मजहब तक महदूद ना रहे। मजहब खुद आया था इसलिए ताकि इंसान महदूद न रहे, ला महदूद हो जाए। ये हमारी निगाह का कसूर था कि हमने उस चीज को जो हमें ला महदूद से आशना करने के लिए आया था खुद महदूद बना लिया।
और हमारे दीन किस लिए आया था, मजहब किस लिए आया था, वही इलाही किस लिए नाजिल हुई थी। इंसान के सामने तो ये महदूद दुनिया है और खुद उसका वजूद बहुत महदूद है। इंसान के सामने खुद ये इंसान का वजूद एक महदूद वजूद है। इंसान के सामने ये दुनिया जिसमें इंसान जी रहा है एक महदूद दुनिया है। वही इलाही ने नाजिल होकर यह बताया कि इंसान तू महदूद नहीं है और तेरी जिंदगी इस महदूद दुनिया तक महदूद नहीं है। यानी जिसने हमें ना महदूद से आशना करना चाहा, हमने उसी को महदूद समझना शुरू कर दिया। और हमारे बहुत गौर तलब मकाम है, इसमें कसूर अलबत्ता दोनों तरफ से है। कुछ कसूर उन मजहबी लोगों का है जो मजहब को समझे बगैर समझाना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है माशाल्लाह। और कुछ उन लोगों का कसूर है जो मजहब को अपने तासुब की बिना पर समझना ही नहीं चाहते। तो दोनों तरफ से कसूर है। आप समझते हैं कि क्या तासुब मजहबी लोगों में पाया जाता है? रिचर्ड डॉकिंस को मजहब के खिलाफ तासुब नहीं है, उसे तासुब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उसे तासुब नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कोई शख्स ये तय कर ले कि हम खुदा का कलिमा नहीं सुनना चाहते, तासुब है। फरहंग बशरी में, इंसानी डिक्शनरी में जो लफ्ज है, हमें हर लफ्ज के मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर खुदा भी कोई लफ्ज है हमारी डिक्शनरी में तो हमें उसके मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश तो करें। अगर अल्लाह कोई कलिमा है, कोई लफ्ज है, तो हमें इस कलिमे के मानी, इस लफ्ज के मानी समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो कुछ फरहंगे बशरी में, जो कुछ इंसानी डिक्शनरी में, हर हर कलिमे, हर हर लफ्ज के समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात भी किसने बताई कि हर चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए? वही इलाही ने पहले बताया है। वही नाजिल हुई, पहली वही में पहला कलिमा क्या था? एक तरह से गयाम पढ़ो। पहला कलिमा जो वही का ज़बाने मुबारक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तमाम आलम बशरियत तक पहुंचा वो क्या था? इक़्रा। अलबत्ते ये मकाम इक़्रा भी बहुत बुलंद मकाम है, ये मामूली मकाम नहीं है। तवज्जो रखिएगा, इक़्रा पढ़ो, बहुत बुलंद मकाम है ये। पहली ही वही में, पहली वही के पहले कलमे में ऐसी अजीम बुलंदी की तरफ बुलाया गया है इंसान को, जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तवज्जो फरमाने, ऐसी अजीम बुलंदी की तरफ बुलाया गया पहले ही कलमे में। इक़्रा, बहुत से अल्फाज कुरान मजीद में बार बार आए हैं, जाके देखिएगा कुरान मजीद में इक़्रा का कलमा कितनी बार आया है। बहुत नहीं, सिर्फ दो या तीन मकामात पर इक़्रा है, और दो मकामात पर है इक़्रा सेगा अम्र में, सेगा अम्र सेगा जमा में। इक़्रा अम्र है, इक़्रा जमा में।
ये जो पहला आया इकरा, ये खिताब किससे था? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बयान का सलावत। अगर कोई शख्स ये समझ सके, ये तसव्वुर कर सके, ये दर्क कर सके कि इक़्रा किस बुलंद मकाम की तरफ इंसान को बुलाया गया है इक़्रा कहकर, वो ये फर्क समझ सकेगा कि इक़्रा का ये मुतलक कलिमा, इसका खिताब ज़ात मुस्तफ़ा से क्यों हुआ, और यहां से कश करेगा आज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की कसम कितनी अजीम है ज़ाते मुस्तफ़ा। के तमाम इंसान मिलकर, तमाम जहानतें मिलकर मुस्तफ़ा की अजमत को दर्क नहीं कर सकते। उनसे खिताब है इकरा, दो मकाम पर है, दोनों मकाम पर हजरत से खिताब है इकरा। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, हजरत से खिताब। हमसे और आपसे कहाँ खिताब हुआ? सूरह मुबारक मुज़म्मिल, फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन, फिर दोबारा हुआ फ़क़्रऊ मा तयस्सर मिन, फर्क है दोनों मकाम पर। हुजूर से खिताब हुआ मुतलक इक़्रा पढ़ो, हमसे जब खिताब हुआ तो कहा गया फकरऊ मा तयस्सर मिन, जितना पढ़ सको पढ़ो। तवज्जो है, मा तयस्सर मिन, जितना पढ़ सको उतना पढ़ो। इसके मानी यह है कि कायनात का पूरा इल्म या कुरान मजीद का पूरा इल्म किसी एक बशर में जो गैर मुस्तफा हो या जिसके जिस्म में मुस्तफाई रूह ना हो, जिसके कल्ब में मुस्तफाई रूह ना हो, जिसके पास मुस्तफाई जहन ना हो, वो ना पूरी कायनात के हकायक से आगाह हो सकता है, न इस पूरे कुरान मजीद के हकायक से आगाह हो सकता है। बस ये दरख्वास्त है, जितना पढ़ सको पढ़ो। काश ये पैगाम मुंतकिल हो जाए। बहुत से लोग दुनिया में पैदा हो जाते हैं, बल्कि तो तसनीफ़ और तालीफ़ भी एक सनत है ना, किताब लिखना और छपवाना हो किताब के जरिए से भी आमदनी कमाई एक इंडस्ट्री है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री है। तो इसलिए बहुत से लोग किताब लिखते रहते हैं और छपती रहती हैं किताबें। मैं कहता हूँ किताब लिखते नहीं हैं, किताब बनाते हैं। किताब बनाना बहुत आसान है, किताब साजी, किताब बनाना, किताब लिखना बहुत मुश्किल है और किताब पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। किताब पढ़ना आप आसान समझते? इतना ही आसान काम होता तो इतने एहतमाम से हुक्म न दिया जाता। अगर इतना आसान होता, पढ़ना भी आसान नहीं होता, तो लिखना भी आसान नहीं, तो नतीजा यह कि पढ़ा लिखा होना आसान नहीं। और पढ़ा लिखा होना आसान क्योंकि नहीं है, इसीलिए लोग तय नहीं कर पाते बहुत सी शख्सियतों के बारे में कि वो पढ़े लिखे थे या पढ़े लिखे नहीं। मैं मुनाजरे का अंदाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता वो उसलूब, लेकिन याद रखिए मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
कहते हैं कि हुजूर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, मैं उन्हें यतीमुलकुल समझता हूँ। हुजूर के बारे में ये सोचना कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब इस पर बड़ी बहस हो सकती है और बड़े बड़े मुफक्किरीन के हवाले दिए जा सकते हैं, साहब आप ये कैसे कह रहे हैं, फुला साहब ने तो कहा है कि वाकई हुजूर पढ़ना लिखना लिटरली नहीं जानते थे। कुछ नहीं पढ़ा नाम हो किसी भी मसलक का, मैं उसका तख्तिया करने के लिए तैयार हूँ, अकली तौर पर भी और नकली तौर पर भी, अकली दलायल से भी और नकली और समयी दलायल से भी। सबसे पहला मसला यह कि हुजूर अगर वाकई लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो जो काम कोई शख्स कर नहीं सकता अल्लाह उसको वो काम करने का हुक्म दे नहीं सकता, नहीं दे सकता। एक अम्र मुहाल से मुताल्लिक अम्र कैसे दे सकता हूं, ये किस तरह मुमकिन है कि हम झुक ना सकते हो खुदा के रुकू करो, ये कैसे मुमकिन है कि हम सजदा ना कर सकते हो और परवरदिगार फरमाए कि सजदा करो, ये कैसे मुमकिन है कि हम खड़े ना हो सकते हो और परवरदिगार कहे खड़े हो जाओ, खड़े रहो कयाम करो। कोई भी फेल, कोई भी अमल, कोई भी अम्र जो हमारी इस्तेआत और हमारे इख्तियार से बाहर है, परवरदिगार का कोई अम्र उससे मुतअल्लिक नहीं हो सकता। तो अगर परवरदिगार ने पहली ही वही में पहला कलिमा बराहे रास मुस्तफा से कहा इक्रा, यानी पैगंबर पढ़ना जानते थे, बालों में बड़े बड़े नाम आ जाएंगे, अब मैं खुद नाम तो नहीं दोहराना चाहता, इसमें कोई मसला की फर्क नहीं है। बहुत से मुफक्किरीन ने फलासफा में गज हो गई निकाह क्या कर सकते हैं, वो यही समझे कि हुजूर वाकई लिखना पढ़ना नहीं जानते। लिखना पढ़ना न जानना यानी ये कुदरत न रखना, ये मलका न रखना अलग बात है और न लिखना अलग बात है। मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अल्लाह का शुक्र है, मगर यहाँ मिंबर पर आप ये लिखिए मैं कभी नहीं लिखूंगा, इसलिए ये मकाम मेरे लिए लिखने का मकाम नहीं, ये मकाम ये माहौल ये सिचुएशन लिखने की नहीं है। तो कभी कभी अब अगर आप कहें लिखिए अभी लिख के दीजिए और मैं ना लिखूं, मैं किसी और लिखा हूँ भाई मैं जो कुछ बोल रहा हूँ लिख दीजिए, इसके मानी है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ मेरा लिखना शायाने शान नहीं है। पैगंबर की एक पवील जिंदगी इस दुनिया में मिंबरे रिसालत पर चूंकि मुतमक्किन थे, आपको खिताब करना था, आपको तबलीग फरमाना था, इसलिए बहुत सी हिकमतें थी कि लिखना आपके शायान शान न था और किताब हाथ में लेकर पढ़ना आपके शायान शान न था। किताब हाथ में लेकर वो पढ़ता है जो किसी और की लिखी हुई किताब पढ़े, जो किताब किसी को हिफ्ज ना हो, जो किताब किसी के सीने में ना हो, वो लेकर पढ़ना उसकी मजबूरी होती है। जो खुद जाने किताब हो, असल किताब हो, मतन किताब हो, बतन किताब हो, उसे जसारत है, बेअदबी है और यतीमुल अकली है।
हुजूर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, नहीं लिखना भी जानते थे पढ़ना भी जानते थे, और सिर्फ लिखना जानते नहीं थे लिखना सिखाना भी जानते थे, सिर्फ पढ़ना जानते नहीं थे पढ़ाना भी जानते थे। और उसकी एक दलील छोटी सी देकर आगे बढ़ जाऊं, हुजूर ने कभी नहीं लिखा और कभी नहीं पढ़ा। किसी के हम सामने जाने बैठ सकते हैं, किसी के शागिर्द नहीं हूं, जो हामिले रिसालत है, जो हामिले नबुव्वत है, जो हामिले पैगाम इलाही है, जो मकतबे मशीयत में तरबियत पाकर रखा है, जो कहने वाला है अद्दा बनी रब्बी, मेरे रब ने मेरी तरबियत की, मेरे रब ने मुझे तालीम दिया है, मेरी तालीम मेरी तरबियत मेरी तकमील सब मेरे रब हो चुकी है, मेरे रब ने बिला फसल बिला वास्ता। तो यहां इस दुनिया में आने के बाद उस ज़ाते करीम को उस ज़ाते अज़ीम को किसी के सामने जाने में अदब तय करने की जरूरत है, किसी की शागिर्दी अख्तियार करने की जरूरत है, नहीं चुनांचे नहीं किया, किसी के शागिर्द नहीं थे और नहीं लिखा नहीं पढ़ा, तो लोगों को शुभा होने लगा कि पता नहीं पढ़े लिखे हैं नहीं, फिर यकीन किया अंदर तक पहुंच गया। देखिए इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी हर शख्स का यकीन काबिले एतबार नहीं होता, हर शख्स का काक हर शख्स का यकीन काबिले एतबार नहीं होता। कत्ए कत्ता की बहस को असर नौ गौर करने की जरूरत है, हर कत्र को हर यकीन को तस्लीम नहीं किया जा सकता, इंतजार नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं आज करता हूं, हर इंसान का एहतराम मैं करता हूं, लेकिन हर इंसान के हर बातिल अकीदे का एहतराम नहीं करता। अकीदे मुमकिन है जहालत की बिना पर मबनी हो, और मुमकिन है अकीदे इश्तबाह की बिना पर इल्तिबास की बिना पर पैदा हो गए हो, मुमकिन है कि अकीदे वाकई हक और मंतर और सदाकत और सच्चाई की बिना पर, तो जो वाकई सही अकीदे हैं उनका एहतराम किया जाएगा, लेकिन जो बातिल अकीदे हैं हम बातिल अकीदों का एहतराम नहीं करेंगे। जो लोग उन बातिल अकीदों में मुब्तला हैं उनका एहतराम करेंगे, और उनके एहतराम का तरीका यह है कि उनको हक की तरफ दावत देते रहेंगे। बार-बार लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया कि हुजूर नऊज़ु बिल्लाह लिखना नहीं जानते थे पढ़ना नहीं जानते थे, इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को एक ऐसा शागिर्द दिया। इसने हुजूर कायनात गवाह है, तारीख गवाह है, दोस्त दुश्मन गवाह है कि अली इब्न अबी तालिब ने रसूल के अलावा किसी से कुछ नहीं सीखा, और अली इब्न अबी तालिब जिंदगी भर लिखते भी रहे और पढ़ते भी रहे, तो बताओ इन्हें लिखना किसने सिखाया, पढ़ना किसने सिखाया। रसूल नहीं लिखते थे ना, अली लिखते थे, अली ने लिखना किसने सीखा, किसी जाहिल से या जहूर से या जालिम से या जलूम से, क्या कहूं असल में दुश्मना ने हक व हकीकत के लिए जो मुनासिब अल्फाज हैं वो तो कुछ और ही हैं। दुश्मना ने हक और दुश्मना ने हकीकत कहा है। बार तो तवज्जो बरकरार है कि खुद पढ़ना बहुत बुलंद मकाम है,
ये बड़ा पढ़ना गलत का काम है, समझना बहुत गलत मकान है। बहुत आज मैं अपने साथियों से, दोस्तों से, अजीजों से, बच्चों से कहता हूँ, बहुत जल्दी अपने को पढ़ा लिखा न समझने लगना, कहीं इस मुगालते में मुब्तला ना हो जाना। डेढ़ दो किताबें पढ़ी और समझ लिया कि हम आलिम हो गए। बहुत से हमने देखे हैं पूरी किताब पढ़ लेने के बावजूद आलिम नहीं बन पाते, और इसीलिए ये इस्तेलाम मेरी नहीं है, ये इस्तेलाम तो पहले से मौजूद है। लोग आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू में अक्सर ये इस्तेलाम इस्तेमाल करते हैं कि भाई फुलां साहब, अरे छोड़िए वो तो पढ़े लिखे जाए, पढ़े लिखे जाए नहीं, कौन सा तजाद है इसके मानिए। बज़ाहिर ये स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए, बज़ाहिर इन्हें डिग्रियां भी मिल गई, मगर अल्फाज सीख लिए अल्फाज के मानी से आशना। ये काली काली पुतली काली काली रोशनाई से लिखी हुए निशानात को पहचानने लगी, मगर नूरे जहन और नूरे कल्ब नूरे मानी को पहचानने से कासिर रह गया, कासिर रह गया। खुद पढ़ना, तवज्जो रखना अजीजों, जवानों, बच्चों, तवज्जो रखना क्या अर्ज कर रहा हूं, और कुरान की रोशनी में अर्ज कर रहा हूं, खुद पढ़ना एक तरह बहुत बुलंद मंजिल है, बहुत बुलंद मकाम है। और कुरान मजीद ने, वही इलाही ने, वही मुस्तफावी ने, पैगाम मुहम्मदी ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, पहले ही कलमे में इस मकाम रफी, इस मकाम बुलंद की तरफ इंसान को पुकारा है। लेकिन पहली मंजिल में बड़ा हिरास ये खिताब इकरा का किसके लिए था? खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों मकाम इक्रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इक्रा व रब्बुकल अकरम, दो मरतबा इक्रा एक के बाद एक। उसूल फिक्ह की किताबों में ये बहस है कि एक ही अम्र अगर मुकर्रर हो जाए एक अम्र के बाद दोबारा वही से गया अम्र आए तो ये कौन सा मकाम सुखन। अब आजकल बहुत से उसूली हजरात इस मकाम पर एक दो सत्रों में गुफ्तगू करके आगे बढ़ जाते और हक अदा नहीं करते बहस। जाहिर है कि मकाम नहीं है कि हम उसूल फिक्ह की इस मंजिल को तय करें और आपके सामने पेश करें। इशारा कर रहे हैं, जो हजरात अहल होंगे वो इस पर काम करेंगे। बड़ी बड़ी किताबों में यह है कि सेगा अम्र बहसे अम्र में जो और बहसें हैं, जब अल्लाह सुभान व तआला कहे कोई बात अम्र के से, जैसे इक्रा पढ़ा, पढ़ा माजी में पढ़ा, यक्रो पढ़ता है या पढ़ेगा, इक्रा पढ़ो, ये सेवा क्या है अम्र। ये जो अम्र का सेवा है परवरदिगार कोई भी बात अम्र के सेवे में कहे और फिर वही बात उसी जुमले में या उसी सियाक व सबाब में फिर दोहराए, तो तहकीक की क्या मंजिल होगी। अब आप देखिए एक ही लफ्ज़ इक्रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم, ये एक इकरा के बाद दोबारा इकरा क्यों आया है? वाज़े ये असरार, ये रमूज, ये बुतून, ये मकामात बहुत गौर तलब है। लेकिन दोनों मकामात पर खिताब पहली मंजिल में सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। एक लतीफ सी बात है, एक लतीफ़े कुरानी है, लतीफ़े कुरानी में जिस माना में कह रहा हूं, लतीफ नुक्ता है तवज्जो रखिएगा, वो ये कि कभी कभी ये भी होता है कि कोई अम्र किया गया, देखा कि जिसको अम्र दिया है इसने इस अम्र को नहायत शाइस्ता तौर पर अंजाम दिया,
इतनी उम्दा तरीके से वो तामील की है कि दोबारा कहा भाई फिर ये काम करो, तुम ही शाया निशान हो, तुम ही शाइस्ता हो इस काम के। तो इसके मानी ये है कि परवरदिगार ने शान क़िरात मुस्तफा को इतना पसंद किया। फिर फरमाया है करत कायनात की करत हकायक की करत हकीकत की करत उलूम की करत मुतून मशीयत की करत कुतुबे इलाहिया की करत। मैं क्या अर्ज करूं यहां करत के कितने मरातिब और दरजात हैं। एक बरा बहुत सी बहसें हैं यहां पर एक के बाद एक। फिर कहा एक करा वरब को गलत अनवान सुखन सूरह इखलास है मगर तमहीद में ये बहस आ गई तो अर्ज करता चला जा रहा हूं। एक तो ये है मंजिल, एक लतीफा और है, यानी एक लतीफ बात और है, एक दकीक बात और है, और वो ये है कि हम अमूमन दो आलम से वाकिफ हैं। एक ये आलम जो निगाहों से नजर आता है, चेहरे पर जो निगाह है इस निगाह से एक आलम नजर आता है, और एक निगाह दिल में छुपी हुई है, एक आलम उस दिल की निगाह से नजर आता है। तो एक करत इससे हो सकती है और एक करत उससे हो सकती है। पहली करत एकरा, दूसरी करत एकरा, और हमारे यहां और इसीलिए कहा कि परवरदिगार ने देखो तो वो करीम कैसा है, वो अकरम कैसा है, वो लुत्फ फरमाने वाला कैसा है, वो कैसा फैज जारी उसका है कि अल्लम अल इंसाना मा लम यअलम, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। सब बहुत बहुत अलग मकाम आते हैं, यहां साइंस की बहसें भी आ जाएंगी, यहां फलसफे की बहसें भी आ जाएंगी, यहां इल्मुल इल्म की बहसें आ जाएंगी, एपिस्टेमोलॉजी की बहसें आ जाएंगी, थ्योरी ऑफ नॉलेज आ जाएगी, यहां सब कुछ आ जाएगा। ऐसा आसान मकाम नहीं है। और फिर अर्ज करूं एक नुक्ता और अर्ज करके आगे बढ़ जाऊं, पहली वही जो नाज़िल हुई उसमें पहला लफ्ज सेगा अमर में इक़रा, अजीब मकाम है सुखन है। पहली वही में पहला लफ्ज कुल नहीं आए, पहली वही में पहला लफ्ज इकरा है, गोया ये अदब है। ये भी लतीफ मकामात सुखन में से है, जब तक पढ़ो नहीं बोलो नहीं। पहले पढ़ो, पहली वही में कुल का हुक्म नहीं है, इकरा पढ़ो, इकरा पढ़ो, बाद में कुल आया। और कुल आया तो बहुत मरतबा, इकरा तो मैंने कहा बस चार पांच मकामात पर है, तीन जगह गालिबन वाहिद के सिगे में इकरा, और दो जगह जमा के सिगे में जहां हम सब शरीक हैं, और हमसे क्या कहा गया फकरऊ मा तयस्सर मिन, फकरऊ मा तयस्सर मिन अल कुरान, जितना पढ़ सको पढ़ो। जो है यही समझ में आ गया कि हमारी सकत कितनी है और उनकी इस्तफाअत कितनी है। जो कहते हैं कि वो हमारे जैसे थे, तवज्जो है, जो कहते हैं वो हमारे जैसे थे वो ये समझ लें कि उनके लिए मुतलक हुक्म है और हमारे लिए हमारी सकत है। तो जितना पढ़ सकते हो उतना ही पढ़ो। कुल का कलिमा कुरान मजीद में तकरीबन 332 मकाम पर आया, एक दो नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मुहिब्बे अहले बैत थे और उन्होंने अपनी जिंदगी कुरान के लिए वक्फ की। अल्लामा मोहम्मद फुआद अब्दुल बाकी, जिन्होंने कुरान मजीद के अहसाइयात पर यादगार किताब लिखी है,
معجم المفرس للفاضل قرآن کریم ان کی بتائی ہوئی تعداد کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں کہ 332 مقامات پر 332 مقامات پر کل کا لفظ آیا ہے اور یہ لفظ سورہ مبارکہ اخلاص میں جو میں نے آج سرنامہ قرار دیا ہے اس میں بسم اللہ کے بعد پہلا لفظ ہے بسم اللہ کے بعد پہلا کلمہ ہے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں اگر آپ قدر کریں قرآن مجید کا ترجمہ تحت اللفظی ترجمہ کر لینا آسان ہے لیکن قرآن مجید کے ترجمے کا حق ادا کرنا عام انسان کے لیے ناممکن ہے اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈکشنری دیکھ کے اور تھوڑی سی نحو پڑھ کے تھوڑی سی صرف پڑھ کے یہ سمجھ جائیں گے کہ قل قال یقول سے صیغہ امر ہے اور جب یہ طالب علم اور یہی رپیٹ کرتے رہیں گے ہر جگہ جہاں قل آئے گا جہاں قل آئے گا یہ اعراب القرآن میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں قل صیغہ امر قل صیغہ امر قل صیغہ امر اب سنیے یہ جملہ یاد رکھیے گا اور اس کے دلیل اور ثبوت اور تفصیل بیان کرنے کے لیے کبھی فرصت ہوگی تو یہ طالب علم حاضر ہے جتنی مرتبہ قرآن مجید میں لفظ قل آیا ہے نئے معنی کے ساتھ آیا لوگ سمجھیں گے مبالغہ ہے اگر 332 مرتبہ لفظ قل آیا ہے تو 332 معنی میں یہ ایک لفظ کی تکرار یہ دہراتے رہنے سے حق ادا نہیں ہوگا قرآن مجید کا صیغہ امر ہے قل صیغہ امر ہے یعنی کہو قل صیغہ امر ہے یعنی کہو قل صیغہ امر ہے یعنی کہو اور یہ جو قل آیا یہ بھی بہت بلند مقام کی طرف بلا رہا ہے آغاز کتاب میں نہیں ہے نہ جانے کتنے قل گزر چکے 332 میں سے کتنے گزر چکے قرآن مجید کے 114 سوروں میں سے یہ کون سا ہے 112 سورہ ہے بالکل آخر میں سورہ اخلاص یہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی یہ ترتیب بھی کسی اور کی دی ہوئی تھوڑی ہے غلط ہے یہ دعویٰ غلط ہے یہ بیان بعض مفسرین اور مورخین کا اور علوم قرآن میں کام کرنے والوں کا کہ قرآن مجید کی ترتیب کسی اور نے کی قرآن مجید کی ترتیب حق سبحانہ و تعالی کی کتاب کسی اور کی کتاب نہیں تھی کتاب حق کو پیغام حق کے حامل نے دست حق سے جمع کروایا کسی اور سے نہیں صلوات علی محمد و علی محمد جب میں علی کو ید اللہ کہتا ہوں تو بہت سے مفاہیم کے ساتھ تلوار اٹھانا بھی ہاتھ کا کام ہے قلم اٹھانا بھی ہاتھ کا کام ہے اللہ کی طرف سے تلوار اٹھانے والے کا نام بھی علی تھا اللہ کی طرف سے قلم اٹھانے والے کا نام بھی علی جتنے کام ہاتھ کے سپرد ہو سکتے ہیں حق کے وہ سارے کام علی کے سپرد ہیں قلم ہاتھ میں ہوتا ہے تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے کسی کی کوئی مدد ہاتھ بڑھائی کے تو کرتا ہے
किसी गिरते को हाथ ही से तो थाम के उठाते हैं। और मर जितने हक के काम हैं जो हाथ के सुपुर्द हो सकते हैं वो सब अली के सुपुर्द हैं। तवज्जो है, कोई नहीं है कुरान मजीद को जमा करने वाला जुज अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो व सलाम। पूरी बहस है, बहुत बड़ी बहस है और बार बार ये बहस उठाई जाती है। और अभी फिर मेरे इल्म में है कि नए फितने, बिल्कुल ताज़ा नए फितने उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं और बड़ी तैयारियों के साथ उठाए जा रहे हैं। तो कुरान मजीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई आयत नाजिल होती थी तो हुजूर खुद वो आयत सुनाते थे, वो आयत पढ़ाते थे और वो आयत लिखवाते थे और ये बताते थे ये आयत कहाँ लिखो। और तरतीब जो मौजूदा तरतीब कुरान है इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक सूरों की तरतीब रखी गई। इसमें भी हिकमत है, नज़्म कुरानी खुद एक एजाज है। इसमें सूरह इखलास आखिर में आया, ये आखिर में आया है। इसके कई असबाब हैं और बहुत से निकात हैं यहां पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये छोटा सा सूरा एक एतबार से कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा है। कुरान मजीद का सबसे बड़ा सूरा, अजीब मकाम सुखन है हक को हकीकत को समझने और समझाने के लिए। तवज्जो रहे, गुफ्तगु तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि शुरू की है हमने और आप सबसे ये दरख्वास्त है कि साथ साथ अपनी फिक्र और अपनी नज़र का इस्तेमाल करते रहें, मुतालआ करें। मैं अक्सर ये तालिब इल्माना जुमला कहता हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है कि अपने मुखातबीन को सामेईन को सोचने पर मजबूर करूँ। बगैर सोचे और बगैर समझे कोई बात कबूल करना इंसानियत की शान के खिलाफ है। इंसान को जेब नहीं देता कि कोई बात बगैर सोचे समझे कबूल कर ले या कोई बात बगैर सोचे समझे रद्द कर ले। आपने कोई बात कही और मैं फौरन रद्द कर दूं, रिजेक्ट कर दूं, फौरन अगर रिजेक्ट कर दो तो ये इंसानी अमल नहीं होगा, ये इंसानी अमल नहीं होगा। तो सोचें, गौर करें, लेकिन पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सोचने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो सामने रखें। लिखने पढ़ने के लिए कलम जरूरी है, किताब जरूरी है, रोशनाई जरूरी है, रोशनी जरूरी है ना। किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जा सकती, किताब हमेशा रोशनी में पढ़ी जाएगी। इसीलिए इस साल भी हमारा उन्वान क्या है, हकीकत और हुसैन। हकीकत किताब है, हुसैन रोशनी। क्या नाम जबान पर है, अर्ज करो, जब कीजिए। 1400 बरस गुजर गए, अभी लोग हुसैन से आशना नहीं पढ़ा। हालांकि हुसैन इब्ने अली हुज्जत हक हुसैन आरजू कल्ब मशीयत हुसैन
بینائی چشم مشیت حسین, امید چشم مشیت حسین. خیریے ذرا ساتھ دے دیجیے, ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین ابن علی کسی ایک ایسے انسان کا نام تھا جس کے دو ہاتھ دو پاؤں تھے, ایک سر تھا, سینہ تھا, ایک آپ کے بیٹا تھا, جسم تھا, ایک ماں باپ کا بیٹا تھا حسین, بس. حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح عمری کتابوں میں جو تاریخوں میں لکھی ہوئی ہے, سن اتنا میں پیدا ہوئے اور سن اتنا میں شہادت ہو گئی, بس. سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین, اس بلند مقام پر فائز ہیں, اس بلند مقام پر فائز ہیں جس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے اقرا کہا گیا تھا. تمام عالم بشریت کو جس بلند مقام تک دعوت دی گئی ہے اقرا کہہ کر, اس بلند مقام پر حسین فائز ہیں. اس لیے حسین کو صرف ایک دو ہاتھوں اور دو پاؤں والا انسان, ایک ابن آدم نہ سمجھیں. حسین وہ عظیم حقیقت ہے جس کے حوالے سے تمام حقائق کو سمجھا جا سکتا ہے. پھر میں عرض کروں, یہ مذہبی جذبے سے نہیں عرض کر رہا ہوں, یہ مسلکی نقطہ نظر سے نہیں عرض کر رہا ہوں. حسین ابن علی وہ حقیقت جسے آج تک بشریت سمجھ نہیں سکی. دو چیزیں اگر مسلمان سمجھ لیتے تو کبھی گمراہ نہ ہوتے, ایک ولایت, ایک شہادت. دو چیزوں پر مسلسل گفتگو کرتے رہنا کلمہ توحید پڑھنے والوں کا سب سے بڑا تقاضا ہے. توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ولایت اور شہادت کو نہ سمجھ لیں. ولایت وہ حقیقت جو ذات علی میں منحصر ہو گئی, شہادت وہ حقیقت جو ذات حسین میں منحصر ہو گئی. سید الاولیاء علی ہیں, سید الشہداء حسین. یہ القاب یوں ہی نہیں ہیں, یہ شاعرانہ القاب نہیں ہیں. بار بار میں کہتا ہوں یہ بات, یہ شاعرانہ باتیں نہیں ہیں, یہ خطیبانہ مبالغے نہیں ہیں. ڈوبو, ڈوبے حقیقت تک پہنچے. حقیقت کے سمندر میں غوطہ زنی, حقیقت کے آفاق میں پرواز کرو, تب سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت اور حسین کا رشتہ کیا ہے. حقیقت درک نہیں کر سکتا بشر, حقیقت تک پہنچ نہیں سکتا ابن آدم جب تک کہ حسین سے توسل نہ کرے. حسین کا وسیلہ اختیار نہ کرے. عرض کروں گا, دلائل پیش کروں گا. یوں ہی نہیں عنوان قائم کر لیا حقیقت اور حسین, خود یہ عنوان فلسفیانہ اہمیت رکھتا ہے, سائنسی اہمیت رکھتا ہے, کلامی اہمیت رکھتا ہے, ادبی اہمیت رکھتا ہے, تاریخی اہمیت رکھتا ہے, حقیقت اور حسین کا رشتہ. اور اگر ہم حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں, حقیقت, حقیقت کے کتنے مراتب ہیں, حقیقت کے کتنے رخ ہیں, حقیقت کے کتنے پہلو ہیں, حقیقت کے کتنے آئینے ہیں, وہ سب ایک طرف. اور حقیقت اور حسین کے لیے اگر کوئی شاعرانہ عنوان قائم کرنا ہو تو بس یہ مصرع قبول کر لیجئے اور اس پر تبہ آزمائی کیجئے گا کہ حسین جوہر آئینہ حقیقت ہے اور حسین آئینہ حق نمائے فطرت ہے. آقا حسین ابن علی اور واقعہ کربلا,
दो चीजें अलग अलग है। ना आज तक इंसान हुसैन को समझ सके, ना आज तक इंसान वाकई करबला को समझ सके, ना आका हुसैन को समझ सके, ना वाकई करबला। बस आज दामन समेट रहा हूं बयान, जो बातें रह गई वो कल। आम तौर पर हर साल मुहर्रम आता है और पहली मुहर्रम से जो गुफ्तगू होती है वो कहां से शुरू होती है? मदीने से हुसैन की हिजरत। ये हिजरत क्यों मुसलसल बयान हो रही है? ये हिजरत इसलिए मुसलसल बयान हो रही है कि हम और आप भी हकीकत हिजरत से आशना हो। जब तक हिजरत ना करोगे तरक्की कैसे हासिल होगी? जब तक हिजरत ना करोगे बुलंदी कैसे हासिल होगी? जब तक जमीन को छोड़ोगे नहीं आसमान तक पहुंचोगे कैसे? है ना अजीब अजीब मकाम आते सोपन है। जमीन से वाबस्ता रहोगे तो आसमानों तक कैसे पहुंचोगे? इसलिए हिजरत आशना बनो, हिजरत आशना, मुसलसल हिजरत। जिंदगी नाम तसलसल हिजरत का है। अब इसे ताली ना समझिएगा, कह लेने दीजिए कि ये छोटे छोटे जुमले मुस्तकिल तकरीर दरकार हैं इनके लिए। जिंदगी नाम है तसलसल हिजरत का। एक मंजिल को छोड़ के दूसरी मंजिल तक जाना, फर्स्ट मंजिल को छोड़कर बुलंद मंजिल तक जाना। आपकी जहानतों पे भरोसा करते हुए बहुत कुछ कहता हुआ चला जा रहा हूं और फिर अर्ज कर रहा हूं इसे ताली ना समझिएगा शायराना। ये छोटे छोटे जुमले मुस्तकिल किताब चाहते हैं, मुस्तकिल बयान चाहते हैं, मुस्तकिल उनवान है। जिंदगी नाम है तसलसल हिजरत का और हिजरत बुलंद से बुलंदतर मकाम तक पहुंचने का नाम है। हिजरत अगर बुलंद से बुलंदतर मकामात पर पहुंचने का नाम है, अगर ये चीज जहन दर्द कर ले, आकल कबूल कर ले, कश्फ कर ले, दिल की निगाह देख ले इसे, तब समझ में आएगा कि हुसैन ने मदीना क्यों छोड़ा और हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज से पहले मक्का क्यों छोड़ा। बस अब वक्त की अपनी महदूदियत है इसलिए आज गुफ्तगू यहीं पर रोक कर चंद मनाजिर निगाहों के सामने रहते हैं आपके, अक्सर आप अक्सर सुनते रहते हैं। आपा हुसैन जाहिरी हालात ऐसे पैदा हुए कि आप मदीना छोड़ने पर मजबूर रहे और जिस शब मदीना छोड़ रहे थे उस एक शब में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नाना की कब्र पर नाना खुदा हाफिज़, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम से ही दुश्मन। किसमें सकत है जो तफसीलात को बयान करे, किसमें सकत है जो तफसीलात को समझ सके और किसे मालूम है तफसीलात। चंद जुमले मशहूर है, क्या क्या मुनाजात की है हुसैन ने, क्या क्या गुफ्तगू की है आका ने। तावीज़ कब्र पैगंबर पर रुखसार रखकर रोते रहे और कुछ गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद उठे और कारवां लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए। कारवां था अजीम कारवां, अजीम कारवां। ये वो कारवां था जो पूरे आलम बशरियत को, पूरे आलम इम्कानात को उसके कमालात तक पहुंचाने के लिए रवाना हो रहा था। काश ये जुमले याद रहे। पूरे आलम इम्कानात को उसके इंतहाई कमालात तक पहुंचाने के लिए जो कारवां निकल रहा है वो हुसैन का कारवां है और इसलिए इसमें
बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, खवातीन भी हैं। और क्या क्या गौहरे नायाब खानदान इस्मत और तहारत की है। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे हैं, हुसैन के साथ अली अकबर जा रहे हैं। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे, हुसैन के साथ आसिम इब्ने हसन जा रहे हैं। हुसैन तन्हा नहीं जा रहे, हुसैन के साथ ज़ैनब जा रही है। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है कि मैं कुछ अर्ज कर सकूं, वरना सिर्फ इसी मकाम पर हुसैन, हुसैन अपने साथ असगर को क्यों ले गए और हुसैन सोहरा को क्यों छोड़ कर गए? किस कदर फिटेंगे इस मकाम में? बीमार बेटी सोहरा को छोड़कर जा रही है और नन्हे असगर को, शीर खार को साथ लेकर जा रही है। फिक्रंगेज मकाम है। तारीख निगारों की बहसों में नहीं उलझूंगा मैं आपको जिस मकाम की तरफ ले जाना चाह रहा हूं, काश उस मकाम की तरफ जहन मुंतकिल हो जाए, काश इन हकायक को हुसैन के हवाले से हम समझ सकें। बस अब गुफ्तगू खत्म करूं, आपकी आवाजें बुलंद हो गई और दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं रह गई, इसलिए बस एक मंजर अर्ज करूं और गुफ्तगू ना तमाम करूं। कारवां चला मगर आसान तो ना था, ना बेटी का बाप से जुदा होना आसान था। इस कारवां का मदीने से निकलना आसान नहीं था और इसीलिए औरफा ने उन लोगों ने जिन्होंने वाकयात को अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने ये नकल किया है कि कारवां तैयार हुआ, आमादा हुआ, सवारियां सवार हो गई, कारवां कुछ आगे बढ़ा एक दो कदम, हुसैन पलट पलट के घर की तरफ देखते जा रहे हैं। एक मरतबा देखा कि बीमार बेटी लड़खड़ाती हुई देहुरी से बाहर आ गई, कारवां फिर रोका, बेटी को बुलाया, एक एक से बेटी फिर रुखसत हुई। यहाँ पर परवरदिगार तेरे वालिद माजिद की रूह को बुलंदी आता फरमाए। वो बड़ी कैफियत के साथ, बड़े जज्बे के साथ पढ़ा करते थे ये मंजर कि जनाब सोहरा एक एक से मिली, एक एक से खुदा हाफिजी की, लेकिन जब जनाब रबाब के पास आई हैं तो अपनी गोदी को बढ़ा दिया फैला दिया। और जनाब अली असगर हुम्मत के बहन के आगोश में आ गए। अब कारवां जब चाह रहा था कि आगे बढ़े तो फिर जनाब रबाब ने बेटे को लेना चाहा, असगर ने माँ की आगोश में आने से इनकार कर दिया, बहन के सीने से लपटे रहे। तू भी आगे बढ़ी, एक एक बीबी आगे बढ़ी, किसी की आगोश में नहीं आए, सोहरा की आगोश में रहे। कहते एक मरतबा आका हुसैन आगे बढ़े, नन्हे के कान में कुछ कहा, बच्चे के कान में कुछ कहा और हुम्मत के बच्चा हुसैन के आगोश में आ गया। अजब नहीं आका ने फरमाया, हो मेरे बेटे तुम्हारा नाम महज़रे शहादत में शामिल है, तुम अगर न चलोगे तो कारवां आगे नहीं बढ़ सकता। इन्ना लिल्लाह رضاً بقضائه وتسليماً لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره إنا لله وإنا إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره پروردگار آقا حسین کا واسطہ ہمارے لیے حقیقتوں کو منکشف فرما پروردگار سید الشہداء کا واسطہ ہمیں مقام سید المرسلین
और मकाम सैयद औलिया को समझने की तौफीक अता फरमा। मेरे महबूब मिल्लत इस्लामिया के लिए हकीकत तौहीद के साथ साथ हकीकत विलायत हकीकत शहादत को काबिल फहम बना दे। परवरदिगार आलम बशरियत को हुसैन से आशना कर दे। परवरदिगार हमें हकीकतों को हुसैन के हवाले से समझा दे। मागूर परवरदिगार आलम बशरियत बेचैन है, आलम बशरियत बेचैन है, अपने वली आखिर को इज़्ने ज़हूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत और अदालत का परचम लहरा। मातम हुसैन।